मेरा नाम है हार्दिक और आपका एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप राख का सही से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में और राख का लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं जिससे आपके पौधे को राख से कोई भी हानि ना हो। राख को इस्तेमाल करने के आपको काफ़ी सारे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि राख जो होती है आपकी मिट्टी के पीएच को बढ़ा देती है। तो आपको राख का हमेशा मिट्टी में सही से इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना है तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जो राख का इस्तेमाल हो रहा है गार्डनिंग में काफ़ी समय से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है राख का ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इस्तेमाल। और राख एक खाद का बहुत अच्छा सोर्स है, आप इसको केले के छिलकों की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो आप चूने का इस्तेमाल करते हैं अपनी गार्डनिंग में तो राख उसको भी रिप्लेस कर सकती है। राख जो आप किसी भी तरह की राख ले सकते हैं, चाहे वो गोबर के कंडों को बनाकर जलाकर बनाई गई हो चाहे लकड़ी को जलाकर बनाई गई हो, आप दोनों तरह की राख लीजिए आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इससे एक लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं। तो इससे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इससे लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाना है और आपको उन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर आपका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो बात करते हैं इसका लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाना। राख का इस्तेमाल करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है जो कि है मात्रा। राख को इस्तेमाल करते वक्त आपको मात्रा का बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डिब्बा ले लेना है और डिब्बे के अंदर आपको एक हिस्सा राख ले लेनी है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं एक डिब्बे के अंदर राख डाल रहा हूँ। आपको राख में हमेशा मात्रा का ध्यान रखना है क्योंकि राख आपके मिट्टी को पीएच को बढ़ा देती है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं लगभग एक डिब्बा राख ले लिया हूँ। फिर एक डिब्बा राख के लेने के बाद आपको क्या करना है, एक बाल्टी ले लेनी है और उसके अंदर ये राख डाल देनी है। फिर जो आपने एक हिस्सा राख लिया उस एक हिस्सा राख के अंदर आपको पाँच हिस्सा नॉर्मल पानी मिला देना है। तो ये एक और ये और फिर ये पाँच हिस्सा पानी नॉर्मल पानी मिलाने के बाद जो आपका ये मिक्स बना है आपको इसे अच्छे से डंडे की मदद से या किसी चीज़ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है कि राख होती है ये आपके मिट्टी जो इसमें चीज़ में मिक्स नहीं हो जाए पानी के अंदर, जो इसके अंदर कैल्शियम ये सब चीज़ें होती है जो पानी के अंदर राख आराम से डिसॉल्व हो जाती है। तो आपको राख को अब अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये बड़ी आराम से मिक्स हो जाएगी। तो आपको इसे अब थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ी देर राख को मिक्स करने के बाद जो हमारी राख है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको पौधों में इस्तेमाल कैसे करना है। तो पौधों में इस्तेमाल करने के लिए जो आपको एक हिस्सा जो हमारा लिक्विड है उसका लेना है और उसके अंदर पांच हिस्सा नॉर्मल पानी मिला देना है। आपको राख को अच्छे से डाइल्यूट करके मिलाना है और फिर जो है आपको अब आपको जो इसके अंदर ये जो राख है इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर जो आपका वाटरिंग कैन है आपको उसका आगे का नोजल हटा लेना है वरना जो राख के जो मोटे कण है वो इसके अंदर अटकेंगे। अब बात करते हैं इसे हमारे पौधों में इस्तेमाल कैसे करना है। तो राख का जो इस्तेमाल है वो आप अपने सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं, चाहे वो आपके पौधे इंडोर पौधे हो चाहे आउटडोर पौधे हो चाहे सब्जी वाले पौधे हो चाहे वो फल फूल वाले पौधे हो। आप अपने सभी पौधों में राख का इस्तेमाल करिए, आपको अपने पौधे में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। राख के इस्तेमाल से आप ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और आपके पौधे अच्छे से उगेंगे। तो राख को आप अपने पौधों में एक बार इस्तेमाल करके जरूर से देखिएगा और मेरे को बताइएगा आपको राख का इस्तेमाल करके आपको अपने पौधों में कैसे रिजल्ट मिला हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया।